खलीलाबाद टाइम्स में आपका स्वागत है। भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर कातिलाना हमला को लेकर कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। संत कबीर नगर खलीलाबाद मेहदावल बाईपास से लेकर पूरे शहर में भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण के ऊपर कातिलाना हमला को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने रोड शो विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर उर्फ रावण के लिए जेड प्लस की सुरक्षा की मांग की। आपको बता दें कि आप ये सीधी वीडियो इस तस्वीर में देख सकते हैं कि किस तरह से हॉकी का प्रदर्शन कर रहे हैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता। हॉकी डंडों से लैस होकर विरोध प्रदर्शन का यह नज़ारा सीधे वीडियो में खलीलाबाद टाइम्स के द्वारा दिखाई जा रही है। संत कबीर नगर से केदारनाथ दुबे की रिपोर्ट। प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसा प्रदर्शन है आज जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसा प्रदर्शन है? भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है, उसके विरोध में गिरफ्तारी, अपराधियों की गिरफ्तारी और उनकी सुरक्षा की मांग के लिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आप किस से मिलेंगे इसके सर? पीएम साहब, उनके माध्यम से राज्यपाल महोदय को जो है ज्ञापन देना है। लेकिन आपके भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर का कहना है कि आप प्रशासन का सहयोग करें, तो इस तरह सड़कों पर प्रदर्शन करने की क्या जरूरत थी? नहीं, भाई ने ऐसा नहीं कहा कि प्रदर्शन करने की जरूरत है। भाई ने कहा शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रदर्शन कर सकते हैं, ज्ञापन दे सकते हैं। पहले प्रदर्शन शांतिपूर्ण। आज जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसा प्रदर्शन है ये? प्रदर्शन ये है कि हमारे भीम आर्मी एवं जो है आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के ऊपर कल कुछ अज्ञात जो है अपराधियों के द्वारा लगभग 4 से 5 गोली लगातार फायर की गई, जिसमें एक गोली जो भीम आर्मी के एवं आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी हैं उनके पीठ से छू के गई। उनको जान से मारने का पूरा प्रयास किया गया और भाई चंद्रशेखर आजाद जी घायल भी हो गए हैं। हम और हमारे भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं पूरी कमेटी के द्वारा यही मांग की जा रही है कि आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी को जेड प्लस की सुरक्षा दी जाए एवं उनके ऊपर जिन अपराधियों द्वारा गोली चलाई गई है उनको तत्काल प्रभाव से 12 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करे प्रशासन, अन्यथा हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको आदेश किया है कि अगर 12 घंटे के अंदर अगर उस अपराधियों को गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो हम लोग पूरा भारत जाम करेंगे।